मैडम ने मिनी पिकनिक खोल रखा है यहाँ पे। व्लॉग में डालूंगा। बहुत बढ़िया, कुछ नहीं होगा यार, ये तो वैक्सीनेशन ही है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। वेलकम टू आर न्यू व्लॉग। और ये वाला व्लॉग हम आज इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि आज इसका वैक्सीनेशन है। फाइनली हमें डॉक्टर से गो अहेड मिल गया। वैसे तो लैक्टेटिंग मदर्स के लिए एज सच ऑफिशियली अलाउड है वैक्सीनेशन, बट मुझे स्लॉट नहीं मिल रहा था और थोड़ा सा डॉक्टर से बात हो गई और डॉक्टर ने बोल दिया कि आप वैक्सीनेशन करवा सकते हो, तो आज इसका वैक्सीनेशन है। तो लेट्स गो फॉर द वैक्सीनेशन। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं मूलचंद ड्राइव थ्रू। बिल्कुल ऐसे आराम से बैठी है जैसे पता नहीं अभी इंजेक्शन लगेगा, बाहर जा जाएगी। नहीं, मुझे वैक्सीनेशन से डरने, पहले तो मास्क ऊपर करो हमेशा, मास्क जो है ना नाक के ऊपर रहना चाहिए। N95 पहन के जाना। निकाल लो, निकालो, निकालो, ये वाला पहन के जाना। ठीक है, ठीक है। देखना अभी भी इतने धीरे धीरे चल रही है यहाँ पे आने के बाद भी। फाइनली यहाँ पे घूम घाम के हम सही जगह पे पहुँच गए हैं। एक दिल्ली में सीपी और एक साउथ का एरिया है, जहाँ पे ऐसे ऐसे घूमते रहते तब जाके पता चलता है कि एग्जैक्ट जगह कहाँ पे है। सबसे अच्छी बात यह है कि वैक्सीनेशन का स्लॉट मिल गया। कल मैं 1.5 घंटा बैठा तब जाके मेरे को स्लॉट मिला है। दूसरी बात यह है कि डॉक्टर से कल बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। कोई भी हेल्थ रिलेटेड अगर कोई भी चीज़ है ना, तो उसके लिए बेटर है कि आप एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। कोई क्या कहता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गूगल पे क्या लिखा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बार आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल या किसी डॉक्टर से आप पता कर लो कोई भी चीज़, उसके बाद आप कुछ भी करो हेल्थ से रिलेटेड अगर कुछ भी हो। ये बेसिकली ना ड्राइव थ्रू है, हमने ड्राइव थ्रू वाला बुक किया था मूलचंद ड्राइव थ्रू। आगे देखोगे ना यहाँ पे देखो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। और ड्राइव थ्रू में पता है क्या है बेसिकली, ड्राइव थ्रू में ये है कि इन्होंने बोला है कि जैसे ये वाली जो कार की लेन है ना अभी, तो कार की लेन में आपको सीधा जाना है। तो वैसे जो ऑनलाइन जो बुकिंग थी बेसिकली 1410 रुपये की बुकिंग थी वो, लेकिन अभी ये क्या बोल रहे हैं उन्होंने नया जो सिस्टम निकाला ये वाले में क्या है, आपको सीधा कार में जाना है। कार में यहाँ पे आपको टोकन मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे ये 1410 रुपये का और ये वाला जो ड्राइव थ्रू वाला है वो 1800 रुपये का है। तो यहाँ पे हमारा महंगा है, मतलब ये जो ड्राइव थ्रू वाला है, जबकि वहाँ पे कई सारे लोग पेट्रोल भी खर्च करें और यहाँ पे भी वहाँ पे दो तीन अंकल गुस्सा भी हो रहे हैं, कह रहे कि ये क्या मतलब होता है, जैसे ऑनलाइन तो 1410 का दिखा रहे और यहाँ पे आने के बाद अचानक से आप 1800 रुपये बोल दे रहे हो उसको। वैसे तो ऐसा नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है, लेकिन उन्होंने एक फेसिबिलिटी दे रखी है कि जरूरी नहीं है आप यहीं पे लगवाओ, ड्राइव थ्रू पे लगवाओ, आप चाहो तो अंदर जाके भी लगवा सकते हो, बस ये है कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, बाकी दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसा कोई फोर्सेबल नहीं है कि आपको 1800 का ही लगवाना है, आप चाहो तो अंदर जाके लगवा सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे सीन क्या है कि आगे जाके आपको बेसिकली यहाँ पे कार की लेन में टोकन मिल जाएगा। आगे जाके टोकन लेने के बाद आपको जाना है पार्किंग में, और पार्किंग में जाने के बाद बहुत लंबी लाइन है, पर बहुत लंबी लाइन है तो 1.5 घंटा लगेगा। पार्किंग में जाने के बाद आपको जो टोकन मिला है वो उसके हिसाब से नंबर लगेगा, फिर वो यहाँ से जाके कार में ही जैब लगा देंगे, बस इतना फर्क है। फायदा ये है कि कार में लग जाएगा और कोई, बस यही फायदा है और तो क्या ही टाइम हो सक रहा है। नुकसान ये कि थोड़ा टाइम लगेगा, बट ठीक है जो भी तो, है मतलब रजिस्ट्रेशन जो हमारा टाइम 5 बजे का है पहले हो जाएगा। हाँ 5 बजे से पहले होता है, मतलब एक बार टोकन मिल जाएगा तो हो ही जाएगा। रजिस्टर वहाँ पे कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन तो वहीं पे कर रहे हैं। ठीक है, वैसे भी मेरे ख्याल से हमारा 3 से 5 का स्लॉट था, आई थिंक पहुँच तो जाएंगे हम। बाकी एक चीज़ है, मतलब पुराने वाले एक्सपीरियंस और नए वाले एक्सपीरियंस में थोड़ा सा एक्सपीरियंस हमारा वैसा रहा है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि इस बात की खुशी है कि वैक्सीनेशन लग रही है, कई कई जगह पे फ्री में भी लग रही है, तो इस बात की खुशी है। ज़्यादा मतलब दुख नहीं है इस चीज़ का कि कहीं कहीं पे मैनेजमेंट जो है वो थोड़ा सा ऐसा है या वैसा, कोई दिक्कत नहीं है यार, वैक्सीनेशन लग रही है, वैक्सीनेशन बन गई और वैक्सीनेशन लग रही है, उतना बहुत है हमारे लिए। जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी जाके वैक्सीनेशन जरूर करवा लो। अच्छा एक चीज़ और है, कई जगह पे ना जैसे कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे, वो कहते हैं कि यार हम तो ना फाइजर का इंतजार कर रहे हैं कि फाइजर आएगी ना तो फाइजर लगवाएंगे। देखो फाइजर आने का इंतजार तब करना चाहिए जब आपको 2-3 दिन में लग रही हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि कई लोगों ने बोला कि हम 1-2 महीने बाद फाइजर आएगी हम तो फाइजर लगवाएंगे सीधा, वो सही नहीं है। वैक्सीनेशन इस टाइम पे एफिकेसी मैटर नहीं करती है, डेफिनेटली फाइजर की एफिकेसी ज़्यादा है, लेकिन एफिकेसी इस टाइम पे इतनी मैटर नहीं करती है कि आप 2 महीने तक या 1-2 महीने तक आप बिल्कुल वैक्सीनेशन ही ना करवाओ, तो वो चीज़ बेकार है। वैक्सीनेशन जो मिल जाए वो जाके एक बार लगवा लो, सो दैट आप खुद भी सेफ हो और बाकी पूरी दुनिया को भी सेफ रखोगे, क्योंकि जब तक आप वैक्सीनेशन नहीं लगवाओगे तब तक आप खुद भी सेफ नहीं हो और दुनिया को भी सेफ नहीं रख पा रहे हैं। मैडम ने मिनी पिकनिक खोल रखा है यहाँ पे, ये सामान वामान लेके आई थी सारा, ये फ्रूटी लेकर आई है और क्या लेकर आई थी, हाँ ये जूस लेकर आई है रियल का और ये बिस्किट लेकर आई है और ये देखो भेलपूरी खा रही है यहीं बैठी बैठी बस। और ये देखो कोई नहीं आउटिंग होती नहीं, यही आउटिंग है हमारी इंडोर आउटिंग, मिनी आउटिंग। और ये अभी भी हम लेन में खड़े हैं अभी भी, शीशा बहुत ज़्यादा गंदा है यार, आप लगता है बाहर से गंदा हो गया है। ठीक है, और ये देखो अभी भी बहुत लंबी लाइन है, ये देखो मतलब बेसिकली ये लाइन में अभी आपको सीधा जाके आपको ये वो जो आदमी खड़ा है ना वो आपको टोकन देगा,
वो टोकन लेके आपको आगे जाके पार्किंग में खड़ा होना है भाई। और फिर ये वो यहाँ से आएंगे और पीछे की साइड में वहाँ पे लगेगी वहाँ पे। गाइस बहुत अच्छी हवा चल रही है और हम पार्किंग में इंतजार कर रहे हैं। ये रही लड़की यहाँ पे और ये रहा हमारा लड़का, दोनों इंतजार, हम तीनों इंतजार कर रहे हैं। पैसे ज्यादा ले रहे हैं बट आई थिंक थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में ना। यहाँ पे आप इंतजार कर सकते हो, फिर आपका नंबर आ जाएगा, फिर आप ऐसे करके जा सकते हो। मतलब अंदर थोड़ी सी भीड़ भाड़ ज्यादा है, ठीक है, मतलब कंपैरेटिवली अच्छा है। बाकी क्या ही फर्क पड़ता है, अपने को तो वैक्सीन लगवानी सबसे पहले, तो आराम से लग जाएगी वैक्सीन आज। खुला वातावरण भी है, बिल्कुल खुला है। चलो वैक्सीनेशन के लिए कॉल आ गया कि आप मेन गेट पे आ जाइए, तो मेन गेट पे आप चलते हैं। यश रेडी, लेट्स गो। चेक द माइक एंड मेक श्योर इट साउंड राइट बॉय। यहाँ पे शायद क्या पूछ रहे हैं, ग्रुप बताएंगे वो एक। अच्छा, 10-10 का ग्रुप बना रहे हैं, वैक्सीनेशन के लिए तैयार है और वैक्सीनेशन के टाइम पे भी इंस्टाग्राम पे लगी हुई है। यहीं पे बैठी बैठी वैक्सीनेशन लग जाएगी इसकी, ठीक है। वैसे कार में बैठे बैठे वैक्सीनेशन लग जाएगी, अंदर बैठना नहीं पड़ा है। कार में शुरू हो गए और ब्लॉग में डालूंगा भाई बहन दोनों लड़ाई से शुरू करें। ये देखो फॉर्म में स्पेसिफिकली यहाँ पे लिखा हुआ है, आई विलफुली वॉन्ट टू अवेल द ड्राइव थ्रू फैसिलिटी फॉर वैक्सीनेशन ऑफ 1800 विच इज नॉट एज पर गवर्नमेंट रेट्स, और साइन भी करवा ली। इसमें बेसिकली तुम्हारी कंसेंट ली जा रही है कि तुम लगवा सकते हो ऐसे ही। दे दोगे 1800 रुपए रिफंड क्या आ रहे हैं छापेंगे? हाँ, प्रिंटर है, प्रिंटर रखा हुआ है। अच्छा, पूरा इंतजाम यही बना रखा है, मतलब ये मैंने वो बनाया था चौड़ी, मैं मार दूंगा प्रशांत को। क्या क्या कर रहा है ज्योतिष है क्या? पता नहीं क्या मजा आता है, मजा आता है, मारता रहेगा जब देखो। दो लेट मी शो यू समथिंग, दो उंगली दिख रही है, छोटा जेरी और बड़ा जेरी। सामने सामने देख, सामने देख, देवेश काट दो। क्या लग रहा है, बहुत लग रहा है ना, अब डर लग रहा है, अब डर लग रहा है। पूरी प्रेगनेंसी में इतनी वैक्सीनेशन तुमने लगवाई है, तुम्हें अभी डर लग रहा है? नस में नहीं लगेगी, यहाँ लगेगी, रखते भैंसों की, रखती भैंसों की, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऐसे करके, ऐसे करके खट आंटी भी वीडियो बना रही है शायद। आंटी जी व्लॉगिंग कर रही है, व्लॉगिंग कर रही है, व्लॉगिंग को पीछे से देखने आई है कि कोई वीडियो तो नहीं बना रही है। कोई दिक्कत नहीं आयश, बी स्ट्रॉन्ग, बहुत बढ़िया, कुछ नहीं होगा यार, ये तो वैक्सीनेशन ही है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, सिंपल खटाक करके लगेगी, 2 मिनट में लगेगी और तुम सेट हो जाओगी, बिल्कुल ऐसे लगेगी ख़त्म, बस डरो मत, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया तरीके से लग जाएगी। नहीं नहीं, रुक जाओ, हाँ हाँ चलो ठीक है, खोल दो फिर ये दरवाजे, वो नहीं नहीं बाहर नहीं जाना, कहीं उतर जाओ, यहीं पे लगेगी, इसमें क्या ना बाजू पे लग जाएगी, बाजू पे पूछ लो, लेफ्ट पे लगेगी राइट पे लगेगी, कहीं भी लगा सकते, मर्जी है, लेफ्ट पे लगेगा ना, लग जाएगा यार, डर क्यों रही हो। चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया, बिल ले लो, बिल दे दो, ओके थैंक यू। और लड़की दर्द नहीं हुआ? ये है 14, ये 14, आगे बस, ये देखो, अरे वो छोड़ो, ये देखो क्या, ये समथिंग यू शुड सी, यू मस्ट सी, कैमरा तो कितना बढ़िया हो रहा है, कोई नहीं चेक आउट देखो इसकी। ये जरूर डालेंगे व्लॉग में, ले लो ले लो, बंद करना बंद, थैंक यू, देखना बिल्कुली वैक्सीनेशन लग गई, अब थोड़ी देर यहाँ पे इंतजार करेंगे। हम आ गए हैं कंप्यूटर मार्केट में और बहुत टाइम से मेरा लैपटॉप, मतलब बिल्कुल उसका ऊपर वाला जो स्क्रीन है बिल्कुल ही उखड़ गया था, वैसे लैपटॉप मैं नया भी लूँगा जल्दी, लेकिन अभी टेम्पररीली वो वाला लैपटॉप जो है उसको थोड़ा ठीक करवाना है, और लॉकडाउन में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया था, आज थोड़ा बाहर निकले हैं तो
आज ठीक करवा लेते हैं। कौन से वाले में करवाना है? ओल्ड लैपटॉप। कौन सा? ये विनायक कंप्यूटर सिस्टम्स। ओल्ड, वहीं पे चलते हैं।